वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टेबल टेक के बारे में। तो टेबल टेक एक वीडियो में नहीं होगा, इसके लिए इसको पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट वन में हम ये जानेंगे कि टेबल टेक है क्या और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। टेबल जो है एक अरेंजमेंट है डेटा की रो कॉलम में। HTML टेबल के अंदर हम डेटा जो है हमारा, उसमें हमारा टैग सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, लिंक हो सकता है, वो हम रो और कॉलम में डालते हैं। अलग अलग सेल्स बनते हैं, अलग अलग खाने बनते हैं। जब हम टेबल लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई टैग लिखेंगे तो हमें लेस देन मोर देन साइन के अंदर ही उस टैग को लिखना होता है और उसे क्लोज भी करना होता है बैकस्लैश से। तो टेबल जो है हमारा, जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए पहले टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर हमारा टीआर टैग यूज़ होता है। ये टेबल में रो क्रिएट करता है और उसके बाद टीडी होता है जो डेटा सेल को क्रिएट करता है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम लेफ्ट या राइट डिफ़ॉल्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। हम जैसा उसको यूज़ करना चाहते हैं हम उससे यूज़ करते हैं। ओके, हमने इसको दो भागों में बांटा। सेकंड के अंदर हम यहाँ बॉर्डरिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कैसे और दूसरे चेंजेस लाना है, हेडिंग डालना है, वो करें। ओके, तो इसको दो भागों में हमने सिंपल डिवाइड किया है। बाकी जो इसके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है हम जब CSS करेंगे तो हम उसको देखेंगे। पहले सिंपली देखते हैं अप्लाई करके किस तरह से हमारा टेबल दिखता है और उसके बाद हम CSS में भी उसको देखेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारा नोटपैड प्लस प्लस और प्लस हमारा सेक्शन टैग। अब हम इसमें करेंगे टेबल इंसर्ट। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए पहले हम अपना टाइटल लिख लेते हैं, जो हमारा टाइटल होगा वो है एग्जांपल ऑफ टेबल। ओके फ्रेंड्स, हमने हमारा टाइटल लिख दिया एग्जांपल ऑफ टेबल इन HTML। उसके बाद हम टेबल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना है। तो टेबल हम क्लोजिंग भी अभी लगा देते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल सी करके डेस्क पर। इंसर्ट टेबल नाम दे दिया HTML। फ्रेंड्स, ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब हम इसका सेकंड TR टैग एंटर करते हैं। TR टैग हमने क्यों एंटर किया, ये हमें बताएगा हमारे रोज़ के बारे में। अब TR टैग के अंदर हमारा थर्ड टैग आएगा TD।
यह है हमारा कॉलम। अब हम इसमें नंबर ऑफ रो भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम इसमें नाम दे देते हैं कुछ भी, सपोज Row 1, Column 1, sorry, हमारा Row 2, Column 2। ओके, सेव करते जाएं। अब हम ये फिर से इसे कॉपी कर लेते हैं, या पहले इसको देख लेते हैं इसका प्लगिंग करके। देखिए Row 1 Column 1, ओके, हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इसको कॉपी कर लेते हैं, देखिए सेकंड रो बन गया हमारा, सेकंड कॉलम बन गया। तो ये हो गया हमारा रो और कॉलम। ओके, अब इसी में हम इसकी बॉर्डरिंग भी कर देते हैं, इसमें बॉर्डर भी डाल देते हैं। तो बॉर्डर डालने के लिए, बॉर्डर डालने से हमारा लुक अच्छा हो जाएगा, इसके लिए हम इसमें एक ऐड कर देते हैं बॉर्डर को। ओके, तो हमारा बॉर्डर आएगा टेबल के साथ। टेबल एक टैग है, तो अब इसके अंदर कोई भी स्टाइल यूज होगा तो वो होगा एट्रीब्यूट। ओके, तो हम टेबल को एट्रीब्यूट से डेकोरेट करते हैं। तो हम बॉर्डर ऐड कर रहे हैं, तो बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट है। हम उसका देखिए, हमारा एक जो हमने नंबर डाला है तो वो हमारी थिकनेस है। ओके, अब देखिए हमारा बॉर्डर आ गया। मैं यहाँ पे बॉर्डर को 3 करती हूँ। अब देखिए बॉर्डर और हमारा चौड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे बॉर्डर की साइज़ दे सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या किया था, 2 रो बनाए थे। ओके, तो हम नंबर ऑफ रोज बना सकते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स भी बना सकते हैं। ये देखिए बन हो गया, रोज एंड कॉलम्स हमारे बन गए। इसको ही हम 3 करते हैं। सपोज तो एक हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह हम चाहे तो हम सभी में कर सकते हैं, हम अपनी सेल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये हमारे सेल्स हैं अलग अलग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खाना। तो ये हमारे 3 हो गए। नंबर्स ऑफ रो जो लाइन्स हैं वो भी हमारे 3 है। तो TR का मतलब हो गया हमारा रो, और TD जो हो गए वो है हमारे सेल्स की संख्या। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। टेबल TR TD क्लोज करना किसी को भी ना भूली, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से
दिखा सकूँ। थैंक यू।